Everyone and welcome to English class. Today we are going to do fourth prose from your English textbook. And the title of the prose is From the Diary of Anne Frank. It is written by Anne Frank because ये जो extract जो आप पढ़ने वाली है वो Anne Frank की diary में से लिया हुआ है, right? अब let us read. Now before we start, let us read before you read. Anne Frank is her pura naam, Alice Mary Anne Frank. 12th June 1929, February she was born. March 1945. Anne Frank was a German, right? Anne Frank, German, born, she was born in Germany, born Jewish girl. Right, who wrote while hiding with her family and friends, four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II. अब ये डायरी में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, Anne Frank की जो डायरी जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये Anne Frank ने कब लिखा है? जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, right? वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जर्मन जो थे, राइट, ऑक्यूपेशन जो थी ऑफ नीदरलैंड वर्ल्ड वॉर टू, उस समय क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, बहुत सारे कमीशन क्रिएट हो रहे थे, पीपल वर डाइंग, राइट, तो ये अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ये लोग एम्स्टरडैम चले गए थे, जहाँ पर वो लोग छुप कर बैठे थे क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम जूश लोगों को मार रहे थे, है ना, इसलिए वो लोग छुप गए. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, right? क्योंकि Nazis जो है वो जर्मनी में पावर में आ गए जब, तो वो लोग जो है लोगों को मार रहे थे, दूसरी लोगों को भी खतरा था, तो that is why they moved to Amsterdam. But were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. अब वो लोग छुप तो रहे थे, लेकिन ये Nazis जब उनका वो मतलब उन्होंने अपना एम्पायर बोलो या अपना पावर जो बोलो वो नीदरलैंड तक जब एक्सटेंड कर लिया, तो नीदरलैंड के अंडर में आ गया, तो तब वो लोग पकड़े गए थे और उनको प्रिजन में डाला गया था, राइट. एज पर्सिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 हिडन रूम her father, Otto Frank's office building. वो लोग कहाँ छुप गए थे? Anne Frank के जो father जिनका नाम था Otto Frank, right? उनकी office की building में एक rooms जो थे, एक hidden rooms जो थे, right? उसमें वो पूरे Jewish लोग जो थे, वो छुप गए थे. After 2 years in hiding, 2 साल के छुपने के बाद, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister, right, Margaret Frank. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 years वो लोग छुपे हुए थे, लेकिन उनके ही ग्रुप में शायद कोई किसी ने बिट्रे किया यानी गद्दारी की, right, और वो लोग पकड़े गए और फिर उन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया यानी इंप्रिजनमेंट में ले जाया गया, जहां पर Anne Frank की डेथ हो गई थी क्योंकि Anne Frank को वहां पर टिफस हो गया, डिजीज हो गया, तो उसके कारण Anne Frank की डेथ हो गई एंड विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर डाइड. सिस्टर का नाम था मार्गरेट फ्रैंक. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप returned to Amsterdam after the war ended. Family, उसके father जो थे वो ही survive कर पाए, right, and he was the only survivor in the group. In fact, खाली family में ही नहीं, group में ही was the only survivor. और जब war खत्म हुआ तो जब prison में से सबको निकाला गया तो वो Amsterdam में return हुए. To find that a diary had been saved, और उसके father को Anne Frank की डायरी मिली,
convinced that it was a unique record. अब एनी फ्रैंक के फादर जिम पे उनको लगा कि ये डायरी जो है ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उसमें एनी ने जो भी हाइडिंग पे वो लोगों के साथ बीत रही थी या जो भी उसकी फीलिंग्स थी, जो लोग समझ रहे थे, जो लोग बोल रहे थे, वो सारी चीजें उसने रिकॉर्ड की हुई थी, यानी लिखी हुई थी. He took action to have it published in English under the name of The Diary of a Young Girl. और उनको लगा कि ये डायरी जो है, क्योंकि ये उस टाइम का रिकॉर्ड है जब लोगों की फीलिंग्स क्या थी, वॉर के टाइम की क्या हालत थी लोगों की, उस टाइम का रिकॉर्ड था. तो ये थॉट कि वो पब्लिश होनी चाहिए और इट शुड बी पब्लिश द नेम ऑफ अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ऑफ अ यंग गर्ल. मतलब डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यंग गर्ल कौन थी? एनी फ्रैंक. डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. डायरी जो है उसका जब बर्थडे था 13th बर्थडे, तब उसको गिफ्ट में दी गई थी. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1944. और फिर उसने लिखना स्टार्ट किया. मतलब देखो, 12th जून 1942 में उसने लिखना स्टार्ट किया और उसकी फाइनल एंट्री उस डायरी में कब 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अब क्योंकि वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, लेकिन बाद में इसकी जो ये डायरी जो थी, जो भी इवेंट्स उसने लिखे हुए थे, वो वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट हुए. और ऐसा बोला जाता है कि बहुत वाइडली नोन रेड बुक्स थी. मतलब बहुत सारे लोगों ने वो डायरी पढ़ी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस. मतलब उसकी डायरी में जो इवेंट्स लिखे हुए हैं, उसकी बहुत सारी मूवीज बनी, फिल्म्स बनी, टेलीविजन में सीरियल्स बने और बहुत सारा थिएटर भी हुआ. And even in opera, मतलब opera नहीं musical जिसमें वो लोग story बताते हैं, तो opera में भी मतलब लोग based on her diary opera भी गाते थे. Described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. अब ऐसा बोला जाता है कि ये diary में जो events लिखे हुए थे, वो काफी mature भी लिखे हुए थे. Right, it was a work of mature and insightful mind. बहुत intellectually लिखा हुआ था, बहुत mature थे भी लिखी हुई थी. और कहीं न कहीं daily life लोगों की under Nazis जब rule कर रहे थे, power में थे जब Nazis की occupation थी, so what were the feelings, intimate examination of daily life के बारे में लिखा हुआ था. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed on Holocaust victims. Okay, now let us read what was written. Do you people write diary? No? Okay. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Yeah, she has begun to write a diary. And she wrote that writing diary and Frank ke liye jo hai bahut strange experience tha, right? Kyun? Kyunki usse aisa lag raha tha ki whatever I am writing right now, राइट, शायद कुछ सालों के बाद राइट कोई भी पर्सन या कोई भी इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द म्यूजिंग्स, मतलब व्हाटएवर इज रिटन, ऑल द इवेंट्स, नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड. व्हाई? बिकॉज़ इट वाज द डायरी ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल. लाइक अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, व्हाट वुड बी शी राइटिंग इन अ डायरी?
समथिंग व्हाट शी रिलेट्स विद द रिवेंज, है ना. तो मतलब व्हाई विल पीपल बी यू नो इंटरेस्टेड इन द 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल की डायरी, दैट इज व्हाट शी थॉट. ओह वेल, इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट. वो बोलती है ठीक है, डजंट मैटर कि लोग क्या सोचेंगे या लोग पढ़ेंगे कि नहीं, whether people will be interested or not. She said, I don't care, doesn't matter to me. लेकिन वो बोलती है कि I feel like writing, मुझे लिखनी है और इसीलिए भी लिखनी है because I want to get all kinds of things off my chest. मतलब कि मुझे अपनी डायरी में क्या लिखते हैं, अपनी दिल की बात, है ना, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग्स. तो she said, whatever I am feeling, many of the times you do not have somebody who you can talk to, right? अच्छा, हम जो सामने वाले से कुछ बात भी कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हम मास्क में होते हैं, है ना, कर्टेन होता है, बिकॉज एवरीथिंग वी कैन नॉट शेयर. सो दिस इज व्हाट अ टीनेजर, अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल वाज थिंकिंग. It doesn't matter what the people will think or whether they would be interested or whether they would like it, but I want to write what is in my chest, what is in my mind. I want to write my feelings. I want to come out. I just soch rahi hu mujhe wo likhna hai so that I can be lighter. People has more patience than people. Wonderful. You know, क्योंकि कई बार यू डू नॉट हैव पीपल हु विल लिसन टू यू, राइट. मे बी योर बेस्टी क्यों ना हो, राइट, बट वो बेस्टी की भी लिमिटेशन होती है ना, पेशेंस नहीं होते उनको इतना सुनने. एंड वी एवरीबडी यू नो एंड स्पेशली नाउ एवरीबडी वॉन्ट्स टू से समथिंग, नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन, राइट. सबको अपना बोलना है, अपनी बात करनी. तो यहाँ पर वो बोल रही है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि नेचुरली ये पेपर सुन रहा है जो वो लिख रही है, राइट. वो अपनी बात से शेयर कर पा रही है, वो अपनी फीलिंग्स उसको बता पा रही है जो शायद कोई और को वो ना बता पाए या शायद किसी और की पेशेंस नहीं होगी. आई थॉट ऑफ दिस सेम ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब वो बोलती है कि उसने ये ऐसा सोचा कि paper has more patience than people. क्यों? एक दिन उसको बहुत bored feel हो रहा था. She was feeling very depressed. She was sitting alone at home, right? She was bored. She was wondering कि मैं घर बैठूं या बाहर जाऊं या कुछ. She was not understanding anything. That day she started writing things like this. I finally stayed where I was, moving. Yes, paper does have more patience. But if then I thought, and finally she sits at home, moving. मतलब you know because she couldn't go out, right? कि भाई क्या जाने सकते बाहर, time over, like not weeping but like you know feeling sad that I cannot move out. Maybe whatever might be the reason. And then she feels the paper. और पेशेंस है बिकॉज मैं उसको अपनी फीलिंग्स अभी जो मेरी है वो लिख सकती हूँ, वो बता सकती हूँ. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, सिट बैक नोटबुक फ्रैंकली रिफर टू एज डायरी. और वो बोलती है कि क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी टू रीड व्हाट आई एम राइटिंग, बिकॉज यूजुअली यू नो डायरीज आर वेरी प्राइवेट, राइट. तो इसीलिए उसके ऊपर जो है वो डायरी लिख देती है. That is why she gives that notebook. जो भी उसको दिया हुआ था वो notebook बोलो या whatever, उसको वो diary record करती है. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो बोलती है वो मेरी diary है, तब तक at least शायद जब तक मुझे कोई real friend ना मिल जाए, शायद वो कई बार होता है कोई हमारी कोई real friend रहती है तो क्या बोलते हैं, she or he is my diary. मतलब उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, राइट. वी रिपोर्ट दैट पर्सन लाइक दिस. सो दैट इज व्हाट शी सेज कि जब तक शायद मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तो ये नोटबुक जो है ये मेरी डायरी है. प्रोबेबली शायद कोई डिफरेंस इतना नहीं बनेगा, अगर मुझे कोई रियल फ्रेंड मिल जाएगा तो भी
very dear friend Kofi. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब फिर वो प्रॉम्प्ट करती है, पॉइंट बताती है कि डायरी उसके लिए प्रायोरिटी क्यों थी, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट. आई हैव लविंग पेरेंट्स, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट. अब देखो पहले वो ये बोल रही है कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. देखो ये एक है ना, बिकॉज दिस इज द एज, एक टीनेज एज है. तो शी हैड, फिर वो बाहर पीछे बाद में डिस्क्राइब भी कर रही है, पेरेंट्स है, लविंग पेरेंट्स है, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है, 30 पीपल अदर आ गए जिनको वो फ्रेंड्स बोल सकती है, आंट्स है, अंकल्स है, ग्रूम है. Still she feels lonely, still she could feel that I do not have anyone. This every teenager feels. Right? इससे पहले हम लोगों ने अमांडा की पोएम पढ़ी है, राइट. तो दो हम लोगों ने देखा है ना, उस पोएम में हमने पढ़ा क्या कि दो मदर वॉज लाइक एक्सट्रक्टिंग, बट स्टिल शी फील्स की मदर इज क्रिपिंग, मदर उसके पीछे पड़ गई है, बिकॉज वो भी एक टीनेज एज है. तो शी डिड नॉट लाइक एनीवन कमांडिंग. So that is what happens with the, you know, people or children who are climbing a 30, I mean, you know, teenage age mein jab wo enter hote hain. Though they have everybody around, but still they feel that they are alone. Nobody understands them. Right? So that is what Annie was feeling. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having good time. Ordinary everyday things. Do we really want can speak to our friends or talk to our friends? What problems do you have? What you are actually thinking? What you are actually feeling? It doesn't, right? We don't come out so much, right? We don't seem to be able to get any closer. That's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. वो बोलती है कि शायद सकता है ये मेरी फॉल्ट होगी कि मैं कन्फाइड नहीं कर पा रही हूँ, यानी आई कैन नॉट टॉक टू माय फ्रेंड्स इन प्राइवेट बातें, जो मेरी फीलिंग्स हैं वो सीक्रेट्स, कि शायद हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम है, राइट. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड डाइंग. और फिर वो बोलती है क्योंकि आई cannot talk to them. That is why क्या लिखा था पहले कि I want to write the things I want the things to come out of my chest. इसका मतलब क्या था, मेरी दिल की बात, मेरी मन की बात, right? जो शायद friends हैं लेकिन उनके साथ मैं everyday ordinary बातें share कर रही हूँ, मैं उनके साथ कुछ और confide नहीं कर पा रही, शायद maybe, और वो चीजें ऐसी हैं कि मैं change नहीं कर सकती, right? ये वो डायरी लिखना उसने स्टार्ट किया. टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन. अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये डायरी जो है शायद उसकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, ऐसी फ्रेंड जो शायद वो बहुत टाइम से सोच रही थी कि आई शुड हैव वन फ्रेंड जिसको मैं अपनी सब कुछ सीक्रेट बता सकूं, राइट. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. So, with the diary, usually you know people jo log diary likhte hai na, wo zyadatar they write down their day to day. Aaj hum ye uthe, aaj humne ye kiya, aaj humne ye kiya. They go on jotting down, you know, facts apne sari cheeze monotonous way mein. Wo bolti hai nahi. मैं ऐसा कुछ भी डायरी में नहीं लिखूंगी.
I want the diary to be my friend, वो friend जिसको मैं सब कुछ कह सकता, इसीलिए वो diary को नाम देती है और उसका diary का नाम क्या था, Kitty. What name does she give? Kitty. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कि अगर किसी को, because Kitty would not be able to understand what I'm trying to say, right? Because जो friend को नए मिलते हैं तो पहले friend को पहचानते तो है ना, पहले friend हमें जाने पहचाने, हमको जाने पहचाने, है ना? तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो अपना brief sketch देती है अपनी life का, something कुछ summarize करती है. As I dislike doing so, वो चीजें तो मुझे अच्छी नहीं लगती है बताना. My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until she was 36 and she was 25. That's writing in a diary. Or she's dictating to us, she's telling us, उसके father जो जिनको वो बहुत adore करती है, right? उन्होंने कब शादी की थी? When he was 36 और उनकी mother कितनी years की थी ना? 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. मतलब 4 years तक ही तब तक वो Frankfurt में रहती थी. My father emigrated to Holland in 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to England to stay with our grandmother. और उस टाइम पे ज्यादातर फैमिलीज को शिफ्ट होना ही पड़ता था. एंड मेनी ऑफ द फैमिलीज एक्चुअली दे डिड नॉट अकॉम्पनी, मतलब उनके बच्चों ने कभी भी फैमिलीज को अकॉम्पनी नहीं किया, बिकॉज वॉर का टाइम था उस टाइम पर, राइट? तो ये 4 साल तक हम फ्रैंकफर्ट में थे. फिर वो मेरे फादर को हॉलैंड जाना पड़ा 1933. मेरी मदर ने उनको अकॉम्पनी किया, लेकिन एनी और मार्गरेट जो सिस्टर थी वो दोनों grandmother के साथ उनको भेज दिया गया एक्चुअली. Margaret went to Holland in December and I followed in February. फिर वो Margaret जो उसकी sister थी वो अपने parents के पास Holland में December में गई और Annie February. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, मतलब ये जब Annie February में गई थी वो Margaret के लिए एक birthday present था, सरप्राइज था, और वो उसकी फ्रेंड को मतलब उसकी सिस्टर को बुलाया गया. आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट व्हिच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूपलिस. दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेड स्टैंडर्ड्स की बात कर रही है. 6th स्टैंडर्ड में उनकी जो टीचर थी उसका नाम था मिसेस क्यूपलिस, the headmistress. उसकी जो teacher थी वो headmistress भी थी. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. मतलब जो उसकी जो class teacher थी मिसेस क्यूपलिस, उसकी headmistress भी थी. पूरे साल मतलब पूरा साल के बाद obviously है ना class teacher change हो जाती है, right? तो मतलब Annie वो अपनी मिसेस क्यूपलिस के साथ teacher और headmistress के साथ इतनी close थी, वो एंड ऑफ द ईयर तक बोथ वर क्राइंग एंड गिविंग फेयरवेल टू ईच अदर. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, हैड टू हैव एन ऑपरेशन. माय बर्थडे पास विद ट्रिपल सेलिब्रेशन. 1941 का बर्थडे सेलिब्रेशन का नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे उसकी ग्रैंडमदर जो है बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करना पड़ा. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 19. No one knows how often I think of her and still love her. Here she is writing to her grandmother, who was January 1942. And आज भी वो बोलती है कि मुझे मेरी grandmother की याद आती है. I miss her and I love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. My grandma's candle was lit along with the rest. अब क्योंकि 1941 में उसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, ग्रैंडमा का ऑपरेशन था, 1942 में बड़ा सा सेलिब्रेशन किया उसका, और उसकी ग्रैंडमदर की जो
कैंडल की होली जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सॉल्वेंट डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। ये पूरा ब्रीफ स्केच वो किसको दिख रही थी, अपनी डायरी में लिख रही थी, सो दैट वो किटी को अपना इंट्रोडक्शन दे सके, अपनी डायरी को अपना इंट्रोडक्शन दे सके। और वो बोलती है फोर ऑफ अस, हु आर द फोर, मॉम डैड सिस्टर और वो, ठीक है। और वो लिखती है कि वी आर डूइंग वेल और आज की डेट 20th June 1942 और बोलती है आई एम डेडिकेटेड टू माय डायरी। नाउ शी स्टार्ट्स राइटिंग द डायरी। डायरी राइटिंग इस तरह लिखी जाती है, ठीक है। अब डेट भी जब तक टीचर अनाउंस करे कि कौन आगे जाएगा और कौन आगे नहीं जाएगा, और
एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, टेलिंग ईच अदर, अरे अरे कुछ नहीं होगा, डोंट लूज हार्ट, सब पास हो जाएंगे, पास हो जाएगी, ये सारी चीजें क्लास में चल रही थी. एंड दिस इज वॉट शी लाइक्स इन हर लाइफ. टुडे वी डू टिल हियर एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट.